इसमें मशीन उपलब्ध है जिसमें 18 तरीके के टेस्ट, ब्लड टेस्ट और 18 तरीके के टेस्ट इसमें हो सकेंगे। और ये तीन वैन ऐसी हैं जो जनरल हमारे जो निचला तबका एरिया है वहाँ पर रोज सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ये वैन जाएंगी, लेकिन जगह पर रोज दो दो पॉइंट पर जाएंगी। इसमें डॉक्टर होगा, इसमें फार्मासिस्ट होगा, इसमें एक उनका कंपाउंडर होगा और इसमें दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टर कोई भी किसी को बुखार है और कोई भी तरीके की दिक्कत है उसमें डॉक्टर उसकी सेवा में उपलब्ध रहेगा। अगर किसी को अस्पताल भी जाना होगा इसके अंदर बेड है और उसको ऑक्सीजन लगाकर उसको अस्पताल भी पहुंचा सकते हैं। और एक गाड़ी है जिसपे ईएनटी की सुविधा है, आँख नाक कान, उसमें पूरी दांतों के लिए उसमें पूरी चेयर है और दांतों का डॉक्टर उसमें रहेगा, दांतों की तकलीफ उसमें दूर होगी, उसमें आँखों की टेस्ट होगा और उसमें जो दवाई है आँख के लिए और मुंह के लिए वो भी उसमें उपलब्ध रहेंगी। ये हर स्कूलों में जो हमारे एमसीडी के स्कूल हैं हर स्कूल में रोज एक स्कूल में जाएगी, वहाँ पे सभी बच्चों का इसमें टेस्ट होगा ताकि जो बच्चे हैं वो हमारे स्वस्थ रहें और मजबूत रहें। ये इनका उद्देश्य है। सांसद निधि से हमने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया देकर इसको शुरू किया। 1 साल पहले ही मैंने पैसा दिया था, उसके बाद में इसकी परमिशन लेने में, टेंडर होने में, ये सारी प्रक्रिया में डॉक्टर हमने 4 इसमें अरेंज किए, ये सारी प्रक्रिया में समय लगा और अभी 2 दिन के बाद से ये सड़कों पर जाने लगी। आसपास में अभी गया यहाँ पे ककरोला में, मेरे को गांव के लोगों ने बताया जब से डब्बा बना है तब से ताला लगा हुआ है, अंदर मैंने देखा कुत्ते सो रहे थे, कांच टूटा हुआ था। मैं सुरेड़ा में वहां पर बिल्कुल ताला लगा, कभी नहीं खुला। बकरवाला में वहां पर जब मैंने वो डब्बा देखा उसके चारों तरफ में कम से कम 10 ट्रक का कूड़ा पड़ा था। आदमी वहां जाएगा तो बीमार होगा, ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसी हालत आज से ठीक 1 साल पहले हमारे नरेंद्र चावला जी मेयर बने, उनसे मैंने बात करी, एमसीडी के अधिकारियों से बात करी कि हमारे क्षेत्र में जो ऐसे इलाके हैं जहां पर जो गरीब हैं उनके उनके घर पर जाकर कोई ऐसी सेवा शुरू हो जाए, उनके ब्लड टेस्ट हो जाए, 18 टेस्ट इस गाड़ी के अंदर हो सकते हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन भी देना पड़े, उसको अस्पताल लेके जाना पड़े तो वहां पर बेड है, उसके ऊपर वो लेट कर और ऑक्सीजन का उसमें वो लगकर और उसको हम लेके जा सकते हैं। उसको एक इसमें डॉक्टर रहेगा, एक इसमें फार्मासिस्ट रहेगा जो दवाइयां सारा फ्री में देगा, एक इसमें उनकी हेल्प रहेगा जो किसी को चोट वोट लग गई इसमें पट्टी कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। ये 1 साल पहले हमने पैसा दिया, मगर मेरे को भी पहले यही लगता था जब आपने मुझे सांसद नहीं बनाया था कि काम तो 1 महीने में ही हो सकता, इसके लिए पूरा इसकी परमिशन लेना, गाड़ी खरीदना, गाड़ी का ऑर्डर करना, गाड़ी का टेंडर होना, उसके बाद में मशीन का टेंडर होना, इसमें पूरा 1 साल का समय लग गया। मगर मुझे बहुत खुशी है और मैं हमने जो नगर निगम को पैसा दिया, डॉक्टर हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन सभी को मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं अच्छा आपने ये गाड़ी को तैयार किया। एक गाड़ी में ईएनटी की सुविधा रहेगी जो हमारे एमसीडी के जितने भी स्कूल हैं वो रोज एक स्कूल में जाएगी, वहां के बच्चों का अगर आंख उसकी खराब है तो आंख का टेस्ट होगा, दांत क्योंकि बच्चों के ज्यादातर खराब रहते हैं दांत का टेस्ट होगा। और जब बच्चों को लगेगा कि अब डॉक्टर की गाड़ी आने लग गई है, अब हमें रोज ब्रश करना है, रोज अपना साफ सफाई रखनी है, तो वो डॉक्टर की गाड़ी के नाम से और इंजेक्शन के नाम से ही वो अपने दांत की पूरी मरम्मत हमेशा रखेगा, माँ का कहना मानेगा, ब्रश करेगा।